का सीजन चल रहा है, चारों तरफ आम ही आम दिखाई दे रहे हैं, और अगर आम का केक ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस और हम सभी का फेवरेट मैंगो केक, जिसको हम बनाएंगे बिना मैदे के, बिना आटे के, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी तरीके से। मेरी गारंटी है इस तरीके से अगर आपने केक को बना लिया तो ये सबका फेवरेट हो जाएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका बिस्किट में आप सबका बहुत बहुत। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक आम, मीठा सा आम लेंगे, और सबसे पहले इस आम को ना हमें छील लेना है, और छील कर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, रफली चॉप कर लेंगे। तो चलिए इसको छील लेते हैं। तो ये देखिए आम को हमने छील लिया है और इसको रफली चॉप कर लिया। अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार, और ये सारा आम जो हमने काटा है ना इसको हम डाल देंगे जार के अंदर। आम डालने के बाद अब हमने ली है ये आधा कप चीनी, चीनी भी डाल लेंगे इसी के साथ में। अच्छा, चीनी यहाँ पर कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि आम के ऊपर डिपेंड करता है आम कितना मीठा है या कितना कम मीठा है। अगर आपका आम थोड़ा सा कम मीठा हो तो आप इसमें चीनी की मात्रा को बढ़ा लें। हमने डाली है, सफिशियंट है इस केक को बनाने के लिए। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और ये लीजिए फटाफट से हमने चीनी को और आम को अच्छे से पीस लिया है। अब हमने उसी कप से नाप कर ले ली है एक कप सूजी, सूजी भी इसमें डाल देंगे। सूजी यहाँ पर आप बारीक या मोटी कोई सी भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इन सबको दोबारा से एक बार ब्लेंड करना है, इनको पीसना है। सूजी डालने के बाद अब मैंने लिया है ये 1/4 कप ऑयल, मैं यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, डाल देंगे इसी के अंदर। आप भी ऐसे ऑयल का यूज़ करें इसमें डालने के लिए जिसकी अपनी कोई महक ना हो, क्योंकि जैसे सरसों का तेल वगैरह हो गया, अगर आप उसको डाल देंगे तो उसकी एक महक होती है, जो कि फिर खाने में जब हम केक को खाएंगे ना तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आप या तो रिफाइंड ऑयल ले लें, राइस ब्रान ऑयल ले लें आपके पास हो आप उसको ले लें, लेकिन सरसों का तेल ना यूज़ करें इसमें। अब हमने लिया है उसी कप से आधा कप दूध, दूध यहाँ पर आप गाय का या भैंस का कोई सा भी ले सकती हैं, ये दूध भी इसमें डाल देंगे हम सारा। इसको लगाएंगे ढक्कन, और एक बार और ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए फटाफट से हमने सभी चीज़ों को अच्छे से कर लिया है ब्लेंड, ये देखिए कितना अच्छा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। और इस तरीके से अगर आप केक बनाएंगी ना तो आपके हाथों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब आपको पता ना कि फेंटते फेंटते हाथ दुखने लगते हैं, और इस तरीके से अगर आप मिक्सी में डालकर इसको ब्लेंड करेंगी, इसको मिलाएंगी, तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखेंगे, और बहुत ही आराम से हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। अब अगर आपका मैंगो का अगर ऐसा कलर ना आए तो आप इसमें एक पिंच या दो पिंच के करीब येलो फूड कलर, या फिर जो ऑरेंज केसरी वाला फूड कलर आता है ना उसको आप डाल सकती हैं, तो बहुत ही अच्छा आपका कलर आ जाएगा। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं ढककर लगभग आधे घंटे के लिए, क्योंकि आपको पता है सूजी है और सूजी फूलती है, तो इसलिए हम इसको रेस्ट देंगे आधे घंटे के लिए। चलिए इसको छोड़ दें। तब तक हम चलिए केक टिन तैयार कर लेते हैं जिसमें हम केक को बनाएंगे। तो ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से। हमें ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे एक बटर पेपर, ये हमने बटर पेपर ले लिया है, इसको अच्छे से इसमें सेट कर देंगे। बटर पेपर पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। देखिए केक टिन हमारा तैयार है। आज इस केक को बनाएंगे हम बिना ओवन के, वो भी इडली कुकर में। तो इसको हम रख देते हैं रीहीट होने के लिए, लगभग 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको प्री हीट कर लेंगे। जब तक हमारा इडली कुकर प्री हीट हो रहा है हम बैटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए आधा घंटा इसको हो गया है रखे हुए, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, सूजी बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। अब इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे, ये हमने लिया है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, 1 टीस्पून हमने लिया है बेकिंग पाउडर। इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए लगभग 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें दूध। देखिए ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर ना हो तो इसकी जगह पर आप इनो का भी यूज कर सकती हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। बहुत ही अच्छा हमारा बैटर बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर या फिर वनीला एसेंस वगैरह भी डाल सकती हैं अगर आप चाहें, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंगो का जो अपना फ्लेवर होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो इसलिए आज हम इस केक को बिना किसी फ्लेवर के बनाएंगे, केवल आम के फ्लेवर के। तो अब लेंगे हम अपना केक टिन जो हमने तैयार करके रखा था, ये जो बैटर हमने बनाया ना सारा केक वाला, ये डाल देंगे इसके अंदर, अच्छे से ट्रांसफ़र कर देंगे सारे को।
और ये देखिए सारे बैटर को हमने अच्छे से फैला दिया है। इसको थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे इस तरीके से। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़े से पिस्ता हमने लिए हैं इस तरीके से, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो बिना इसके भी ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी हमने ली है टूटी फ्रूटी दो कलर की, इस पर भी डाल देंगे। केक टिन हमारा रेडी है, अब चलते हैं देख लेते हैं अपने ओवन। हमारा जो इडली कुकर है वो प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें अपना केक टिन ट्रांसफर कर देंगे बड़ी ही सावधानी से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। टिन हमने ट्रांसफर कर दिया है इडली कुकर में। अब हम इसको ढक देंगे और ढक कर फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो, और लो फ्लेम पर हमें इसको लगभग 35 से 40 मिनट तक पकने देना है, इसको बनने देना है। बीच बीच में इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे, लगभग 30 मिनट बाद हम इसको बीच में चेक कर लेंगे थोड़ा सा खोलकर, तब तक हम इसको छोड़ देते हैं। और ये लीजिए 40 मिनट हमने इसको पका लिया है, अब इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। केक हमारा अच्छा फुला फुला सा लग रहा है, बन चुका है। इसको हम चेक कर लेते हैं, टूथपिक डालेंगे और इस तरीके से देखेंगे डालकर। और ये देखिए बिल्कुल साफ हमारी टूथपिक आ रही है, इसका मतलब हमारा केक अंदर तक अच्छे से पक चुका है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको डीमोल्ट करेंगे। और ये देखिए फटाफट से हमने इसको केक टिन में से डीमोल्ट कर लिया है। अब हम बटर पेपर को हटा देंगे बड़ी आसानी से, ये देखिए, क्योंकि हमने इस पर लगाया था ऑयल, तो ये आसानी से निकल जाता है। इस तरीके से हम इसको हटा देंगे और ये देखिए वाह कितना सुंदर कलर आया है हमारे केक का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम लेंगे एक प्लेट और इसको उल्टा कर देंगे, हटा देंगे। और ये लीजिए देखिए कितना सुंदर हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर आया है हमारे केक पर, कितना सुंदर हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। इसका कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको हमने बिना ओवन के बनाया है। इसको हम काट कर दिखाते हैं कि हमारा केक कैसा बनकर तैयार हुआ है अंदर तक। ये देखिए ये कितना अच्छा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, एकदम स्पॉन्जी हमारा केक बना है, और इसको हमने बिना ओवन के बनाया है, वो भी इडली कुकर में। ये देखिए बच्चे से खाकर खुश हो जाएं। आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।